हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल द गीकी मॉन्क पे। और दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ अपना एक पुराना ही वीडियो जो मैंने MIUI 8 के लिए कुछ प्रॉब्लम थी MIUI 8 में, जैसे कि फीमेल फॉर इंग्लिश इंडिया और डाउनलोडिंग इंग्लिश इंडिया। ये जो दोनों चीज़ है ये हमेशा आप लोगों को MIUI 8 में परेशान करती थी और अब ये MIUI 9 में भी परेशान करती है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी MIUI 9 के लिए, तो मैंने इसके लिए MIUI 9 के लिए अलग से वीडियो बनाया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। चलिए फिर दोस्तों, फिर अपना वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। और दोस्तों, आपको सिंपली जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटीज़ में क्लिक करना है दोस्तों। और क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये सेटिंग वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है सिंपली सेटिंग फॉर गूगल TTS ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको यूज़ वाईफाई ओनली का यहाँ कर देना है ऑफ, ताकि वो बार बार आप लोगों पर ये ऑप्शन दिखाए नहीं। ये ज़रूर आप लोग करिएगा। फिर आप लोगों को करना है इंस्टॉल्ड वॉइस डेटा, जो भी वहाँ पे वॉइस डेटा दिखा रहा था उसी पे, जैसे मेरे में दिखा रहा था इंग्लिश इंडिया, तो मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने उसको डाउनलोडिंग कर दिया। और यहाँ पे आप डाउनलोडिंग करा देंगे या इसको स्टॉप कर देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा अपने आप। सो दोस्तों, ये चीज़ या तो आप ना डाउनलोड कर लें, और हाँ, अगर आपका मेल है तो डाउनलोडिंग 1 करिए, अगर वो फीमेल है तो डाउनलोडिंग 2 आप करिए। और इसके बाद को यहाँ से दोस्तों वापस से मेन जो सेटिंग का मेन्यू है वहाँ पे आपको आ जाना है। जब आप मेन वाले सेटिंग पे आ जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे जो गूगल है वहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा सर्च। सर्च पे आप क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आएगा, वॉइस ऑप्शन आया। वॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्निशन, इस पे आपको क्लिक कर आपको देना है। और जो भी चीज़ डाउनलोड हो रही होगी आप उसको डाउनलोड कर लें। और दोस्तों फिर उसके बाद देखिए आपको ना करना क्या है कि आपको सिंपली स्क्रॉल करके ऑटो अपडेट पे जाना है। वहाँ पे या तो डू नॉट ऑटो अपडेट लैंग्वेज लिख कर दें, या तो आप ऑटो अपडेट लैंग्वेज एट एनी टाइम डेटा चार्जेस में अप्लाई कर दें, या फर्स्ट या सेकेंड, यही दोनों में से किसी एक पे करिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट पे करें, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद जब हम वापस से आप मेन वाले सेटिंग मेन्यू पे आ जाएंगे तो उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस पे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है MIUI 9 में कि लोगों को यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर सर्च करने पे भी मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ना डाउनलोड्स तो है लेकिन डाउनलोड मैनेजर नहीं है। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको बगल में जो ऊपर राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट है उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे शो ऑल ऐप्स आएगा, वहाँ पे उसको आप क्लिक कर देंगे तो आप उसके बाद डाउनलोड मैनेजर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों सिंपल सा काम है अब आपका। यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड मैनेजर ओपन करना है। डाउनलोड मैनेजर ओपन करने के बाद डिलीट ऐप डेटा पे क्लिक करना है, और अगर ये चल रहा होगा तो इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। बस अब आप देखेंगे तो पूरी चीज़ें हट चुकी हैं और योर फोन इज़ नाउ परफेक्टली वर्किंग। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ हम हमेशा आपके लिए लेकर के आते ही रहते हैं। सो फ्रेंड, इट वॉज ऑल फ्रॉम द गीकी मॉन्क। थैंक यू।